खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है। समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ प्रत्याशियों को घोषणा कर दी है, जिसमें एटा लोकसभा से प्रत्याशी देवेश शाक्य ने मलावन से रोड शो प्रारंभ कर एटा कासगंज समेत पूरे लोकसभा के कस्बों शहरों में पूरा किया। उनका जगह जगह भव्य एवं जोरदार स्वागत हुआ। सैकड़ों वाहनों के साथ भारी संख्या में तैनात नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे पहले तो जी? सबसे पहले तो मैं इस एटा और कासगंज की धरती पर काम करता हूँ, यहाँ के सभी मतदाता बंधुओं को नमन करके मैं आज अपने क्षेत्र में आया हूँ और बड़ा ही जन समर्थन मिला है। लोग बहुत खुश हैं, बड़ा स्वागत हुआ है बजट का और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार मुझे एटा और कासगंज से बहुत सम्मान मिला। आपको क्या लगता है आप अपनी जीत के लिए कितने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजवीर सिंह राजू भैया दो बार से लगातार विधायक रहे हैं बीजेपी के, लगातार दो बार सांसद रहने के बाद भी इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, विकास की कोई बात नहीं करता, ना विकास हुआ है। और रही वर्तमान परिस्थितियों में जो बीजेपी की जो योजनाएँ हैं उसमें आम जन को मानस को परेशान कर रखा है। सर काफी मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और खास तौर पे बढ़ती हुई महंगाई। कासगंज में एक रार चल रही है, देखा हुआ अपना अनीता लोधी तैयारी कर रही थी और उन पर हमला हमला हुआ, उसके बाद मामला चल रहा है। कर दी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने। तो आपको क्या लगता है, मतलब काफी करीबी मारी जाती थी कल्याण सिंह? देखिए महिलाओं की अगर सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और अपनी ही पार्टी की पूर्व विधायक महिला पर इस तरह का कृतज्ञ कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर। एक लास्ट सवाल ये है कि जो लोधी और साग के वोट है वो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, हालांकि समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट देकर के दाव खेला है, लेकिन आप कितना आशक्त है कि साग के जो वोट है वो आपकी तरफ जो है ध्रुवीकरण हो जाएगा उसका? देखिए मैं बता दूँ सबसे पहले तो कि साग के समाज कतई भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर नहीं, वो अपने कैंडिडेट के साथ चलता है और समाजवादी पार्टी ने अगर मुझे कैंडिडेट बनाया है तो 100% साग के समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। यहाँ का ही नहीं, आसपास की सारी सीटों का साग जाएगा, उसके अलावा साग के साथ जुड़ी हुई हर जात समाजवादी पार्टी के साथ। कितनी सीटें जीतेंगे सर यूपी में, क्या दावा करते हैं कितनी सीट ला पाएगी समाजवादी पार्टी? 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। यहाँ की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ की जनता से यही निवेदन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।